نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

म अगर हम नम त आप अपने रब की फजल से दीवाने नहीं गई रमा और बेशक आपके लिए बेतहा अज है वह इन न कला की नजीम बेशक आप बहुत अख्लाक पर फायज हैं अब आप ने देखा होगा कि ने मक्का मुशरकिन मकानबी सलम को क्या क्या नहीं कहते शायर जादूगर दीवाना पागल इन्हें इतने घटिया अल्फाज और इतने बुरे अल्फाज देते थे रसुल्लम को अल्लाह ने कभी ये नहीं सिखाया कि इनको जवाब में क्या कहो तो बल्कि उल्टा आपकी तारीफ की यानी किसी को सिखाने का अंदाज ये भी होता है ना कि आप अगर उसको मोटिवेट करना चाहते हैं यानी कि परेशान है तो आपसे कहें कि तुम्हारा सबर बहुत ज्यादा है इन अल्लाह तुम्हें सबर पर बेहतरीन अज़र देगा बिल्कुल ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस पूरी दुनिया के अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदे हैं सबसे आला सबसे अफजल अम्बिया में भी उनको जो है फजीलत इमेजिन करें कि उनका मुकाम क्या है और उनको लोग बुरा भला कह रहे हैं क्या जैसे एक बॉस होता है ना तो उसका कोई पसंदीदा बंदा हो तो उसको तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता कि कहीं हमें मरी जॉब ना चली जाए ऐसा ही होता है अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा उसको लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं अल्लाह अपने उस पसंदीदा बंदे को एक दफा भी नहीं ये कहते कि इनके साथ ये सलूक करो उल्टा उनको उनके अखलाक पर उनके उस सिफ पर जो वो मुजाहरा कर रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं इसकी एक और उमदा मिसाल हमें मिलती है यूस सलाम के किस्से में अः आप सबको तो वो किस्सा बहुत खूबसूरत है और यूसुफ ज़रूर पढ़नी चाहिए लास्ट पे जब यूसुफ लह सलाम के भाई यूसुफ के आयतमर वन हंड्रेड है आप जाके देखिएगा यूसुफ लह सलाम अपने बाप और भाइयों से जब मिलते हैं जब उनके भाई अपने बाप को कायल करके लेके आते तो बताते हैं कि यूसुफ मिल गया तो यूसुफ़्लम का जो वहाँ पर रवैया है वो अपने बाप को क्या कहते हैं ये एक लंबी सी आयत है और लास्ट पे वो अपने बाप को और बाकी सब के सामने कहते हैं अनना ज़गा अशन हुवल लकीफ हकीम ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों ने चाल चली मुझे कुआ में फेंका मेरे भाइयों ने मुझे लेग पुलिंग की मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ज्यादा की और आपके साथ आके झूठ बोला सारे लोग सामने खड़े हैं अपने साथ जुल्म करने वाले ज्यादा करने वाले परेशान करने वाले भाइयों के खिलाफ एक लफ्स नहीं बोला बल्कि कहा नजशान शैतान शैतान का फसा था ये शैतान ही हमारे दरमियान में दुश्मनी डाली थी मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान अल्लाह ने बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ी बरीक बीनी से इसको दोबारा से मुझे मेरे भाइयों से मिलवा दिया और अगर हम आज गौर करें अपने हालात पर हमें बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं हमें हमारे अंदर बड़ी गहराइयां भी हैं हम बहुत ज़्यादा गौर फिक्र भी करते हैं लेकिन जब कभी इखलाक का मामला जहाँ पे हमें अपनी जुबान वाला मामला पेश आ जाता है तो हम अपनी औरत होने का पूरा हक अदा करते हैं यानी अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुँचाना हमारे लिए कोई बड़ा फेल नहीं ना बुरा फेल है हम इसको बहुत आसानी से ये काम कर लेते हैं हालांकि अगले बंदे के लिए वो लफ्स वो बातें किस कदर अजियत का सबाब बनती हैं हो सकता है हमारी एक जुमरे से कोई पूरी रात ना सो सके हो सकता है हमारे एक रवैये से एक करवाहट से एक कड़वा तीर जो हम बाहर फेंकते हैं वो सामने वाले की जिंदगी और उसकी यानी उसकी इबादत उसके रोजमर्रा के मामला को तो कितना डिस्टर्ब करती हैं इसलिए हमने कल्ब सलीम के लिए हमने हमत के लिए हमने सबर के लिए हमने और बहुत से नीयत के मामले में दबूर के लिए इन सब के लिए हमारी जुबान जरिया है वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान का सबसे खूबसूरत इस्लाम पता क्या है क्या है इतनी अः जगहों पे जुबान की हिफाजत का ना कम दिया दर्ज दिया कि जुबान की हिफाजत की जाए और जुबान को आ, ऐसी गुफ्तगु जिससे इंसान का ईमान खराब होता हो उससे परहेज करना चाहिए हम्म तो इसी तरह हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान होने के लिए किसी भी शख्स का अला यानी बातों को तर्क कर देना ही काफ़ी होता है ऐसी बातें जो फजूल होती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता जैसे दो औरतें बैठ जाती हैं कभी किसी की बुराई कभी किसी के बारे में बात कभी किसी के कपड़ों पे कभी किसी के जूतों पर कभी किसी की किसी चीज पर यानी टाँट करना और लोगों की लोगों पर कमेंट्स पास करना लोगों के लिए ऐसे लफाज इस्तेमाल करना जब हम उनके सामने करेंगे तो उनको बुरा लगेगा तो अखलाक हमें दो तरह का चाहिए होता है खास तौर पे लोगों के सामने मीठा बोल लेना और पीछे से उनके खिलाफ बातें करना ये इखलाक नहीं है अख्लाक का मत ये मुनाफकत होती है ठीक है मीठा बोल मीठी जुबान से ये मुराद बिल्कुल भी नहीं लेना कि किसी के सामने जाए तो उसकी तारीफ करें उसके लिए मीठे मीठे बोल बोलते जाए और आज जो कि हमारे मुआरे के अंदर ये चीज़ बस कॉमन है पीछे से जो है ना किसी भी जगह पे चले जाएं बड़े से बड़े अदारों में चले जो जाएं जो लोग जॉब करते हैं मेरी एक जाने वाली है वो एक जॉब करती हैं तो मुझे थी कहती हैं कि मुझे लगता है कि अल्लाह तला ने मुझे दुनिया की सबसे गलत जगह पर मैं फंस गई हूँ हालांकि उनकी बेहतरीन जॉब है क्रेडिट स्कूल में फेडरल स्कूल में गवर्नमेंट जॉब और कैंटेरिया में तो ऐसी जॉब के लिए लोग इतनी कोशिशें करते हैं कहती हैं कि हम लोग इतने यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी सामने इतने मीठे मीठे बोल बोले जाने यस सर आप की वजह से तो अदारे को बड़ी प्रमोशन मिलती है आप ना हो तो अदारा इच्छा ना चले और जैसे ही वो बाइट कदम रखते हैं तो उनके ऊपर लानते बिना शुरू कर देते हैं ये तो है ही लानती इसके तो काम ही इस तरह के हैं तो फौरन से हमारा ये रिएक्शन था ये सिर्फ अदारों में नहीं घरों में भी ऐसे आते कि हम किसी के सामने बहुत मीठा बोलते हैं और जब पीछे बात हो तो उसके बारे में हमारे पास कहने को कोई अच्छा लफ्ज ही नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर खुद में ना अच्छा होती इंसान के अंदर जो कुछ होता है इंसान वही दूसरों के अंदर देखता है यानी दूसरों को देखने के लिए इंसान के पास एक चश्मा होता है वो चश्मा इंसान का अपना बातिन है जिसका अपना बातिन पाक होता है साफ होता है खूबसूरत होता है मुआफ कर देने वाला होता है दूसरों पर तंस तनकीद करने वाला नहीं होता वो बंदा दूसरों को बेहतरीन अंदाज में देखेगा वो दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव सोचेगा इसलिए अपनी जुबान की हिफाजत हमें करनी चाहिए इबन कम रही कहते हैं कि इंसान क्यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा और वो देखेगा कि उसकी जुबान ने वो तमाम पहाड़ मलिया मेट कर दिए और फिर क्या होगा कि इंसान क्यामत के दिन गुनाहों के पहाड़ लेकर आएगा और फिर क्या देखेगा कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के जिक्र की वजह से और इस जैसी चीजों से उन गुनाहों को उन गुनाह के पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया तो वही जुबान जिससे हम दूसरों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं निकालते हैं दूसरों को परेशान करते हैं अपना अखलाक खराब करते हैं अगर उसे इलाही में या अच्छी बातों में मशगूल कर दिया जाए तो ये सबसे बेहतरीन बात है ठीक है और अखलाक ऐसी चीज है कि क्यामत के दिन इंसान की सारी निकिया एक पलड़े में होंगी और इंसान का अखिला एक पलड़े में होगा और इखलाक वाला पलड़ा बड़ी हो जाएगा और दूसरा पलड़ा पलड़ा हल्का हो जाएगा मैजान में इखलाक से बढ़कर कोई चीज नहीं होगी इसलिए एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक उस शख्स पर आग हराम कर दी गई है जो बहुत नरमी वाला मामला फरमाता है खुश इखलाक और नेक मजालिस में यानी लोगों के करीब होता है ऐसे बंदे पर आग हराम कर दी गई है।, है और फिर इसी तरह किसी से बात करना है। लेकिन ये हमारी सारी के लिए। जो अपने होते हैं ना उनसे जब ही हम मिलते हैं हमारा बहुत बड़ा मुंह बना होता है खास तौर पर जब घर में एंटर होते हैं थकीहारे आते हैं और घर आकर हमारी सारी थकावट होती है और वो हम अपने फैमिली को सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा अखलाक और हमारी जुबान से सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचता है जो हमारे साथ रहते हैं इसलिए हमारे अखलाक के बारे में किसी से पूछना हो ना तो वो हमारे इर्द गिराने वाले हमारी क्लास फेलोज हमारे साथ साथ जो रहते हैं ना वो हमारी बेहतरीन अखिला की मिसाल दे सकते हैं वो लोग हमें जानते हैं और इस इन्हीं के बारे में नबी सरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है तो अगर सारी दुनिया से मीठे मीठे ज़ुबान इस्तेमाल करते जाएं लेकिन अपनी फैमिली के लिए अपने घर वालों के लिए अपने पार्टनर्स के लिए अपने साथ रहने वालों लोगों के लिए हमारी जुबान में कोई मिठास नहीं कोई मोहब्बत भरे अल्फाज नहीं कोई नरमी नहीं तो ऐसी जुबान भी फिर मुनाफत से हाल ही नहीं हो सकती असल तो हमने जहाँ नुमाइश करवानी होती है यानी असल इम्तिहान हमारा हमारे बहुत करीबी बंदों के साथ होता है इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक मामले में नरमी वाला मामला फरमाते थे तो हमें भी नरमी इख्तियार करनी चाहिए अपनी जुबान के अंदर भी नरमी लेके आनी चाहिए हदीस में आता है जो नरमी से महरूम हो गया वो खैर से महरूम हो गया यानी जिसके अंदर नरमी नहीं है जिसके अंदर लोगों का साथ मामला करते हुए बस अकड़ा हुआ है कि मेरे रूल्स हैं इनको तोड़ नहीं कर सकता इन रूल एंड रेगुलेशन के सामने कोई किसी की कहा बात नहीं मानूंगा तो ये सब चीजें जब इंसान के अंदर आ जाती है ना तो आप देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी के साथ कोई कमिटमेंट हो जाती है अब इतना फ्लेक्सिबल तो जरूर होना चाहिए ना इंसान को कि आप उसको थोड़ी सी कंसेशन दे सके उसे थोड़ा सा रिलैक्स रख सके हम लोग आ, अपने मामला में जब आ, अपना मामला आता है तो खुद को बड़ा रिलैक्स रखते हैं लेकिन मामला जब हम दूसरों के साथ करते हैं तो हम कहते हैं कि उसने मुझे ये कहा तो किया क्यों नहीं अब उसने नहीं किया उसकी शामत आ गई और वो हम बींग मदर कोई भी माँ है हम तो अपने बच्चों को बहुत बुरा भला कहते हैं बड़ा क्या कह कह उनका और अपना एक रिश्ता खराब कर लेते हैं फिर इसी तरह अगर हम अल्लाह ने हमें कोई कुर्सी दे दी है हम उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी जुबान को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं और इसी जुबान की वजह से हम अपने नामा माल को खराब कर रहे होते हैं जब सुबह होती है ना तो हमारे जिसम के सारे हाथ जुबान के आगे मिनते करते हैं प्लीज हमें बदनाम ना करना प्लीज अपनी हिफाजत कर लो अपने आप को कंट्रोल में रखो तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है हाथों की हमारे जिसम के बाकी एजा की भी हमारे दिल की भी तो जुबान जो है जब भी जुबान की मिठास का मतलब सिर्फ मीठे मीठे बोलना ही हिकमत के साथ बोलना किसके साथ बात करें कौन सा जुमला इस्तेमाल करना चाहिए कौन सा नहीं करना और इसके लिए आपको जरा कल ग्रुप में भी सेंड के गए थे कि सबसे पहले हमने जो इंसान जितना अंदर से हकीम होता है ना उसको उतनी बात करने का अंदाज समझ आ जाता है उसके अंदर अल्लाह ताला स्टाइल पैदा कर देते हैं ऑटोमेटिकली हमने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास कुरान नहीं था या कोई भी इल्म नहीं था इतना हास तो जब वो बात करते थे तो उनको खुद अपनी बात पसंद नहीं आती थी कि हम कैसी लायानी और फजूल बातें करते हैं जैसे ही कुरान जिंदगी में आया जैसे ही इल्म आया तो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तु का अंदाज बदल गया आहसा आहता स्टाइल चेंज हो गया आहिस्ता आहिस्ता जुबान को इस्तेमाल कैसे कर ले आ गया और आप सब का एक अपना तजुर्बा हो सकता है इसलिए हमें अपने लिए खुद कोशिश करनी है क्योंकि अगर हमारी जुबान जो है ना अखलाक इंसान के दिल की अक्कासी करता है इंसान के अंदर जो भी नेक नीयती है इंसान अब देखिए हमारी अक्सर ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि मेरी नीयत तो साफ थी कहते हैं ना ऐसे मेरी नीयत तो साफ थी मैंने उस नीयत से बात नहीं की थी अगर किसी को डांट लें गुस्सा कर लें किसी को तंस कर लें किसी पर तनकीद कर लें उसके बाद अक्सर हमारा जुमला ये होता कोई हमसे हार्ट हो जाए हम कहते हैं हमारी नीयत तो नहीं थी गलत अब आप, आप आपके बड़ा छोटा है आप बहुत नेगेटिव हो छोटी छोटी बात पर बड़े बड़ा मूड ऑफ कर लेते हो ठीक है नीयत हमारी जितनी भी अच्छी हो अमली के बगैर तो तबलीग करने की भी इजाज़त नहीं है कि तबलीग के मामले में भी हमें कुरान क्या सिखाता है हिक्मत. कि हिक्मत से बात करो ये नहीं कि किसी भी जगह पे बैठे और वहां पे जाके अपनी तबलीग की अपना तबलीग का सिलसिला शुरू कर दो नहीं कौन किस वक्त कितना मुतमिन है आपकी बात सुनने के लिए ये जानना जरूरी है तो जब इस्लाम जैसे अहकाम उनके लिए यानी तबलीग के लिए हमें इतनी जुबान को चलाते वक्त का ख्याल रखना होता है और ज़ुबान के अंदर अपनी मिठास और अंदाज अच्छा रखना पड़ता है तो फिर आपस के मामला में जब हमने किसी को समझाना मसल किसी ने गलती की है ना घर गर में घरेलू मामला को देखते हैं किसी ने भी गलती की आपकी छोटी बहन ने की है भाई ने की है बड़े ने की है या आ, बीवी ने कर दिया या हावन ने कर दिया या अगर इलास में देखे बहू कर देती है तो हम सबकी कोशिश होती है कि उसको फोरन उसी वक्त रोका जाए क्या होता है फिर नुकसान उस बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब ठेस पहुंचती है ना तो एक रिश्ता टूट जाता है जो प्यार और मोहब्बत का था इसी तरह अच्छा लहजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन कोई बंदा गलत करता है हम उसको इस तरह से कहें आपसे ना गलती हो होगी शायद आप इस तरह करना चाह रहे थे तो इस तरह से हो गया यकीन जाने वो बंदा अपने गलती को भी ठीक करता है और उसका तल्लु आपके साथ बहुत बेहतर हो जाता है गलती बताने का भी हमारे पास अंदाज होना चाहिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी होते लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर अल्लाह ताला ने अंदर ये खूबी रखी होती है कि उनको दूसरों को गलती बताने का स्टाइल आता है हम्म हम पढ़े लिखे होकर भी हम हमें लगता है कि फौरन ना बताएं तो तासीर नहीं रहेगी या बाद में बताएंगे हालांकि कहा जाता है कि जब आप खाने पे बैठे हों या किसी जगह पे कोई रिलैक्स हो फ्रेश माइंड हो तब किसी को उसकी गलती बतानी चाहिए उसका असर बहुत ज्यादा होता है लेकिन हम दूसरों को जब तक ना कर देना तो ऐसे लगते हैं हमारा आज का चस्का ही नहीं पूरा हुआ जैसे हमें चस्के लगे होते हैं ना फास्ट फूड का चस्का लगा होता है मिर्च मसाले का चस्का लगा होता है लोगों की लेग पुलिंग करने का तंज करने का तनकीद करने का तनकीद तो करने का पॉलिटिक्स है ना तो डिफरेंट पार्टीज हैं एक दूसरे के ऊपर हम तनकीद बिना तनकीद भी, भी मामला कुछ हो सकते हैं और अगर कोई ये कर रहा है तनकीद बरा तो बाकी लोग एक दूसरे को गालम गलोच या बुरा बना नहीं कहें तो ये चस्का वाकई औरतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है और हम सब औरतें है। औरते हैं औरतें हैं कि नहीं अगर हमें लग रहा है कि ये बातें हमारे लिए नहीं है तो फिर इसका मतलब है आज के दिन हम औरतें नहीं रही हम कह रहे हैं कि जी किसी और के लिए बातें हम्म औरतों के अंदर ये ज्यादा चीज पाई जाती है वो चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो ठीक है आजकल की पढ़ी लिखी का मतलब तो यही होता है ना डिग्री याफ्ता तलीम याफ्ता नहीं कहना चाहिए डिग्री याफ्ता कहना चाहिए चाहे कोई डिग्री याफ्ता हो चाहे कोई नॉन डिग्री याफ्ता हो हाँ तलीम का क्राइटेरिया अगर तलीम के बारे में हम रहे हैं ना तो पता है क्या करें इसके पास कुरान है ना वो बंदा पे इन तमाम चीज़ों से बच जाता है अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करते हैं क्योंकि वो अल्लाह के कुरान को थामता है ना तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पहाड़ों पे उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है जब इंसान उस कुरान को अपने अंदर दे जगह देता है उसकी हिफाजत करता है उसकी कदर करता है अल्लाह कहते हैं इस बंदे ने इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी चीज उठा ली है इसकी जुबान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर और अल्लाह तवक्कुल करते मोमिन बंदा करते ही अल्लाह पे तवक्कुल है वो कोई भी नहीं कमल करना चाहे कहते यार अब मुझसे नहीं होगा आप नहीं करवाने यकीन जाने ये जो बेनियाजी है ना बड़ी तो प्यारी है आपसे कोई अमल नहीं ना होना जैसे जुबान की हफाजत नहीं होनी याब उससे होनी नहीं है वो जो हम दुआ पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा अल्लाह अरजू फला तकिलनी इला नफ्सी या अल्लाह मुझे पलक झपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना ऐसी बेनियाजी अल्लाह को अपने मामले में दिखाया करें या अल्लाह मुझसे तो होगा ही नहीं मैं अपने नफ्स के सामने आजिज़ आजिजू मुझसे नहीं होगा हाँ अगर तू चाहेगा तो हो सकता है तू मुझसे ये काम करवा ले मुझसे नहीं हो गई चाहती हूँ मेरी अंदर क्वालिटी आ जाए लेकिन यार अब नहीं आ रही बड़ी एफर्ट बड़ी कोशिशें कर रहे नहीं कर पा रही हिकमत नहीं आ रही कंसिस्टेंसी नहीं आ रही जुबान की हिफाजत नहीं हो पा रही नीयत अच्छी नहीं हो रही अमल में तेजी नहीं आ रही रमजान के बावजूद यह अल्लाह मुझसे नहीं कम करवा लें आज मुझसे ये काम नहीं हुआ कल मुझसे ये गलती ना हो अल्लाह से चलते फिरते ये वाला जो कम्युनिकेशन का सिलसिला चाहिए जरूरी नहीं कि आप अल्लाह से बात करनी हो तो जाए को उठाएं और बैठे और वहां पे हाथ उठा के दुआ मांगी काम कर रहे हैं चलते फिरते पकौड़िया बना रहे हैं समोसे बना रहे हैं चाट बना रहे हैं हंडियां बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं अपनी जुबान को जिक्र सितार रखे और जिक्र शरीकोन का देख ये भी जिक्र है और अल्लाह से जो कम्युनिकेशन करते हैं अपनी जुबान में अपनी सोचों में जुबान नहीं हिल रही सोचे अल्लाह के साथ कनेक्ट है ये भी जिक्र है ठीक है जिक्र एक पल भी भी होता है और जिक्र लसानी भी होता है तो कभी अपने जिक्र को जुबान के जरिए अल्लाह की तस्बीहात करके हम तार कर सकते हैं और कभी अल्लाह से बातें करके तो अपनी जुबान को जब हम इन चीज़ों का आदि कर देंगे ना यकीन जाने अल्लाह तला की तरफ से और एक और चीज़ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बैठ कर गोती ही होती है ऐसे लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ होना चाहिए ऐसे मजलूसों से कट ऑफ हो जाएंगे के भी होना पड़े तनहा भी होना पड़े हो जाए गाली मजलिसों महफलों से जितना हो सके परहेज करें जहाँ पे लोगों के बारे में बात हो लोगों की तस्करी हो लोगों की खामियां बयान की जा रही हो है आपके घर में आ, कोई भी हो सकता है उसकी जगह पे आप किचन में दो घंटे काम भी करना पड़े ना तो वो सीबत से बेहतर है कि आप अपनी कमर थखा लें हम्म अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ कर ले कि आपको जो है करने का मौका ही ना मिले ठीक है तो इस पर कोशिश करनी है इन हमने प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन प्रैक्टिस करेंगे ये नहीं है कि आज ठीक हो जाएगा जब भी किसी को कोई बुरा छोटे से बच्चे को भी बुरा कहने की जरूरत पेश आए ना फौरन से रोक लें खुद को कि मेरी जुबान का लफ्ज़ मेरे नामा को हराब कर देगा और मेरे तराजू को हल्का कर देगा और वापसी मुमकिन नहीं है वापस नहीं आएंगे हम अपनी कार्ड को लेकर वापस नहीं दुनिया में आ सकते कि जाके दोबारा सोरी कर लें माफी मांग लें प्लीज क्योंकि क्यामत के दिन हमारी नेकियों के पहाड़ होंगे लोग आएंगे अल्लाह को कहेंगे अल्लाह इसने मुझे तकलीफ दी थी, थी जुबान से अल्लाह कहेंगे चलो इसकी नेकियां उठाओ और अपने पास ले जाओ दूसरा बंदा आएगा यार अब इसने हमारे बारे में गीबत की थी अल्लाह कहेंगे इसकी नेकियां उठाओ इसको ले जाओ तीसरा आएगा कहेगा पे इल्जाम लगाया था चौथा आएगा इसने मुझे गाली दी थी पांचवा आएगा इसने मुझे ताना दिया था इसने मुझ पर तनखीद की खी थी इसने लड़ाई झगड़ा किया था हमारी जुबान से ही लोगों को सब चीजें सब तकलीफें हम जुबान से देते हैं नीयत का तो किसी को नहीं पता हम किसी के बारे में अच्छी नीयत रखते हैं बुरी इवन की हम हमारे पास जो मांगने आते हैं हम उनको भी जुबान से तकलीफ दे देते हैं हालांकि साइलों को जड़को मत उनके साथ बुरा सलूक ना करो आपको पता है कि वो हकदार नहीं पिए वो जान बूझ कर बेकारी बनाऊ मैं खामोशी से गुजर जाए नहीं देना चाहते आगे बढ़ जाए ताकत नहीं है लेकिन जुबान से उनके बारे में उनके सामने और उनके पीछे से उनके बारे में बुरा बलाना है। ये यही लोग क्या के दिन ये जो हम रमज़ान में नेकियां कर रहे हैं ना कितनी मुश्किल से कर रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं तरावी पढ़ रहे हैं तस्बीहात कर रहे हैं तिलावत कर रहे हैं तो अगर सासा जुबान आ, से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाते रहेंगे तो हमारी ये सारी नेकियां जो कर रहे हैं कितनी भी से होती है नेकियां इतना तो आसान काम नहीं है नेकी नेकी के लिए खुद को थकाना तो उसके लिए हमने अपनी जुबान की हिफाजत करनी है क्योंकि ये जुबान ही है जो औरतों को सबसे ज्यादा जहनों में फेंकेगी जहनों में जाने वाली औरतों की सबसे ज्यादा कसरत किस वजह से होगी जुबान की वजह से ठीक है तो इनशा आज का अमली काम है आज से कोशिश करेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे और अल्लाह ताला हमें तोफीक भी अता करेंगे और अपनी जुबान के लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमारी जुबान से अच्छे अल्फाज हमें अदा करने की तोफ़ी अदा करें अल्लाह हम सबको जुबान का हुसन अदा करे अल्लाह हम सबको ज़ुबान की खूबसूरती अदा करे हमारी ज़ुबान पे हर वक्त कुरान के अल्फाज जारी हों हमारी जुबान को कुरान की अल्लाह अमली तस्वीर बना दे तब होगा जब हम कुरान के साथ इन टच होंगे तो हम चलते फिरते कुरान की तिलावत करते रहेंगे कुरान इतना तो याद होना चाहिए काम करते हुए तिलावत की जा सके कुरान इतना तो याद होना चाहिए हंडिया बनाते हुए जिक्र तिलावत की जा सके तो इस तरह कुरान के साथ जरूर ताल्लुक हो क्योंकि यही ताल्लुक जो होता है ना हमें बहुत सी जुबान की बुरी हतल, हसलतों से बचा सकते हैं झूठ जुबान की मिठास को खत्म कर देने वाली एक और चीज आपका झूठ बोलना आपका इखलाक कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन अगर आप लोगों में मशहूर हैं झूठ के अतबार से तो आपका वो इखलाक लोगों के दिल में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता यकीन जाने बहुत से ऐसे लोग होते हैं इतना प्यारा उनका अखलाक होता है इतना प्यारा इलाक होता है लेकिन दो तीन दफा हमने उनके यानी हमें पता होता है कि छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं फिर क्या होता है कि उनकी हमारे बारे में कोई भी कमेंट्स कोई भी अच्छी बात तारीफ या कोई भी हमें हौसला देना उस पर यकीन ही नहीं आता इसलिए हम अपने झूठ से भी अपने को खराब कर लेते हैं ठीक है तो थोड़े से वक्त में हमने थोड़ी सी बातें सीखी लेकिन अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हमें बेहतरीन अजर मिल सकता है अगर हमारे अख्लाक बेहतर हो जाएंगे और अपनी जुबान में नरमी लाने के सबब हम अल्लाह त पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे क्योंकि अल्लाह ताला नरमी को पसंद फरमाते हैं और एक हदीस लास्ट पे कि तुम में से सबसे ज्यादा प्यारे और क्यामत के नज़दीक मेरे नज़दीक तरीन बैठने वाले वो लोग होंगे जो तुम में से सबसे ज्यादा अच्छे हालात के हामिल हैं अल्लाह के वसल्लम के नज़दीक बैठना चाहते हैं ना अल्लाह के वसल्लम के पास बैठने का तो शौक सबको ही है तो जिनका हलाक अच्छा होगा अल्लाह के रसोसलम उन्नी को बैठाएंगे जिनके हलाक बुरी अल्लाह के रसोसमन को कहेंगे दूर बैठो तो करीब बैठने वाले अच्छे हलाक वाले लोग होंगे नबीलम का साथ और आपके पास बैठना नसीब करे करेंदानदबी सुबह व